हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसमें जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिया गया है, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है। चलिए देखते हैं। ए 108 दिया गया है, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें संख्याएं क्या हैं। 100 है प्लस 8 है, तो 100 के लिए हम सी लिखते हैं, और 8 के लिए हम 8 को देखेंगे। इसमें 5 मीन्स बी, और 3 यानी 1 को 3 टाइम लिख देंगे, 5 और ये 3 8 हो गया। इस तरह से इसका हो जाएगा C, V और ट्रिपल I, C, V और ट्रिपल I 108 के लिए। V देखते हैं, V को 175 दिया है, 175, तो 100 पहले देखते हैं कि इसमें संख्याएं क्या हैं। 100 है, 70 है और 5 है, तो 100 के लिए हम सी लिखते हैं, सी 70 में हम देखते हैं क्या है। इसमें अगर हम 50 प्लस 10 प्लस 10 करते हैं, 70 हो जाता है। 50 10 प्लस 10, यानी 50 के लिए हम एल लिखेंगे, फिर एक्स और फिर एक्स, यानी हमें यहाँ लिखना है एल और डबल एक्स। इसके बाद 5 के लिए हम वी लिखते हैं, इस तरह से हमारा आंसर हो गया सी एल डबल एक्स और वी। इसी तरह से आप अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। पहले हम इसको लिख लेंगे कि संख्याओं में क्या क्या। इसे एक और हम देख लेते हैं, ई का इसमें 542। पहले हम देखेंगे कि ये संख्याओं में क्या क्या है, कौन कौन सी संख्याओं से मिल के बना है। तो इसमें 500 है, इसके बाद 40 है, प्लस 40 है और 2 है, तो 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, डी प्लस ये 40 के लिए हम क्या लिखेंगे, 40 मीन्स एल होता है 50 के लिए, एल होता है 50 के लिए, इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, यानी x माइनस कर देंगे, x पहले हो जाएगा फिर l हो जाएगा, और फिर क्या है 2 है, 2 के लिए हम दो बार i लिख देंगे, यानी हो गया हमारा आंसर d x l और डबल i। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन को। इसमें क्या है, कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू, यानी हमको ग्रेटर देन स्मॉलर देन और ये इक्वल टू का सिंबल लगाना है। तो ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये सिंबल एक ही होता है, इसी को हम उलट के लगाते हैं। इसमें ये जो खुला होता है, जिस तरफ से ये खुला होता है, इधर ग्रेटर होता है मीन्स बड़ा होता है, और इधर जो नुकीला होता है इधर छोटा होता है स्मॉल। इसी सिंबल को हम उलट के लगाते हैं जैसा भी होता है। तो जिधर ये खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा रहेगा, और जिधर ये नुकीला वाला भाग होगा उधर स्मॉलेस्ट संख्या होगी। और जहाँ पे दोनों संख्याएं बराबर होंगी, दोनों तरफ बराबर होगा, वहाँ पर हम इक्वल टू का यूज़ करेंगे। ए में देखते हैं एक्स सी और ट्रिपल आई है, तो पहले हम इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिख लेते हैं, यानी संख्याओं में लिख लेते हैं, तब हम देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो एक्स है सी है, यानी सी एक्स हम पहले देखेंगे, सी एक्स मीन्स एक्स सी मीन्स होता है सी में से एक्स माइनस है, यानी ये 100 माइनस 10 है यानी 90,
ये 90 है और ट्रिपल आई है यानी 3 है, तो 90 और 3 यानी 93 हो जाएगा। अर्थात ये जो लिखा है ये 93 लिखा है। इसके बाद वाला देखते हैं, सी एक्स और ट्रिपल आई है, तो सी मीन्स 100 होता है, एक्स मीन्स 10 और ट्रिपल आई मीन्स 3, तो ये हो जाएगा 100 और ये 10 और ये 3 यानी 113 हो गया। अब आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, तो 93 है और 113 है, तो 113 बड़ा है यानी ये बिगेस्ट है, ग्रेटर है। तो ये जो सिंबल है इसको हम इधर बड़ा होता है और इस तरफ छोटा होता है, तो इस सिंबल को हम इस तरफ से लगाएंगे ऐसे, यानी 113 जो है वो बड़ा है 93 से। इसी तरह से अगला जो बी है इसको हम देखते हैं, पहले हम इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज कर लेंगे कि ये संख्याएं क्या हैं। सी डी, डी मीन्स होता है 500, 500 में से सी माइनस है यानी 400 है, 400। और इस साइड हम देखते हैं क्या है, ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी मीन्स 300 हो जाएगा, 100 थ्री टाइम यानी 300। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सी एक्स और सी है यानी सी में से एक्स माइनस है, सी में से एक्स माइनस है, तो सी में से एक्स माइनस मीन्स 90 हो जाता है। तो ये जो 300 प्लस 90 यानी हो जाएगा 390। अब आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये 400 बड़ा है इससे, तो ये सिंबल हमारा इस तरह से लगेगा क्योंकि इधर खुला होता है उधर बड़ा होता है और इधर नुकीला होता है उधर छोटा होता है। तो सेम आप इसी तरह से अन्य संख्याओं को भी पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कर लेंगे यानी नॉर्मल संख्याओं में चेंज कर लेंगे। जब संख्याओं को आप चेंज कर लेंगे तब आप आसानी से इस तरह से देख पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो रोमन न्यूमरल्स दिया गया है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले छोटी संख्या रहेगी फिर बड़ा रहेगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, यानी इस तरह से गए फिर ऊपर यानी इस तरह से हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी छोटी संख्या पहले होगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं छोटी संख्याओं का, जैसे 2 है, इसके बाद 3 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, आप देखिए इसमें 2 के बाद ये बड़ी संख्याएं ही बढ़ती जा रही हैं, 2 के बाद 3 बड़ा है, इसके बाद 5 बड़ा है, इसके बाद 7 बड़ा है, तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर है यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो सेम हमको इसी तरह से लिखना है रोमन न्यूमरल्स को। तो पहले जो रोमन न्यूमरल्स दिया गया है इसको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज कर लेंगे, जब हम चेंज कर लेंगे तब इसको हम आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलिए एक एक जो रोमन न्यूमरल्स दिया गया है उसको पहले हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज करते हैं कि क्या है। चलिए इसको हम पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज करते हैं, यानी संख्याओं में पहले चेंज कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहले दिया है सी एक्स आई एक्स, इसको हम थोड़ा बड़े में लिखते हैं यहाँ पे, सी एक्स आई एक्स, इसको हम पहले संख्याओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या दिया है, सी मीन्स होता है 100, एक्स यानी 10 और एक्स आई मीन्स 9, यानी 100 है, 10 है और 9 है, यानी 119। आगे है एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स, एक्स सी को हम देखेंगे
सी में से एक्स माइनस है, यानी हो गया 90, और यहाँ 10 में से 1 माइनस है यानी 9, तो ये हो जाएगा 99, 90 प्लस 9 99। अगली संख्या यहाँ दी गई है सी एक्स एक्स आई, सी डबल एक्स और आई, इसको हम संख्याओं में अगर चेंज करेंगे तो सी मीन्स 100, एक्स एक्स यानी 20 हो जाएगा और आई मीन्स 121। अगला सी आई एक्स, सी आई एक्स, सी मीन्स 100, आई एक्स मीन्स 9 यानी 109। सी डबल एक्स, सी मीन्स 100, डबल एक्स मीन्स 20, 120। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये संख्याएं जो है हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में यानी नॉर्मल संख्याओं में चेंज कर लिए हैं। अब हम इसको आसानी से देख सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जो संख्या छोटी होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जो संख्या बड़ी होगी उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा है, 109 है, नो सॉरी 99 है सबसे छोटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 99 सबसे छोटा है, तो इसका जो रोमन न्यूमरल्स है उसको हम पहले लिखेंगे एक्स सी आई एक्स, 99 पहले हम लिखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं 109 है, तो 109 को इसके बाद हम लिखेंगे यानी सी आई एक्स। इसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ा कौन सा है, तो 109 के बाद है 119, 119 का हम लिख लेंगे सी एक्स आई एक्स। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया और ये, इसके बाद जो 120 है तो 120 को हम लिख लेंगे सी एक्स एक्स। इसके बाद 121 है, इसको हम लिख लेंगे सी एक्स एक्स आई। इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हम रोमन न्यूमरल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, बहुत ही आसान तरीके से। आपको पहले जो रोमन न्यूमरल्स दिया गया है उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज कर लेना है, ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप अच्छी तरह से देख लेंगे कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज करेंगे, इसके बाद जो संख्या छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे और जो संख्या उससे बड़ी होगी उससे बड़ी, इस तरह से हम बड़ी संख्याओं को बाद में लिखते जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम उसी तरह से है उसका अपोजिट है। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं बढ़ते हुए क्रम में, छोटी संख्या पहले लिखे हैं और फिर बड़ी संख्या बाद में है। अब इसमें जो है बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे छोटी संख्याओं को, लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, इसको पहले हम सेम उसी तरह से हिंदू अरेबिक में चेंज कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। क्वेश्चन 7 है, तो इसको हम चेंज करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। एक्स डबल है यानी 10 टू टाइम, तो 20 हो जाएगा और 1 यानी 21। नेक्स्ट दिया है एक्स वी, एक्स और वी, तो एक्स 10 है और वी 5 यानी 15। नेक्स्ट एल आई एक्स, एल आई एक्स, एल मीन्स 50
और आई एक्स मीन्स 9, तो 50 प्लस 9 59। फिर नेक्स्ट एक्स एक्स आई एक्स यानी डबल एक्स आई एक्स डबल एक्स है यानी 20 हो जाएगा और एक्स माइनस 1 है 9 29। नेक्स्ट है एक्स सी आई एक्स एक्स को हम लिखेंगे एक्स मीन्स 10 होता है, सी मीन्स 100 यानी 100 में से 10 माइनस है तो हो जाएगा 90 और यहाँ पे 9 है यानी 99। अब इनको हम चेंज कर चुके हैं हिंदू अरबिक निबल्स में, अब हम आसानी से इसको देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस क्वेश्चन में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है संख्याओं को, यानी बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। तो बड़ी संख्या इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये 99 सबसे बड़ी संख्या इसमें है, इसको हम पहले लिखेंगे एक्स सी आई एक्स। इसके बाद इससे छोटी संख्या, इससे थोड़ा छोटी संख्या जो इसमें दिया गया हो, इसके बाद है 59 को हम इसके बाद लिखेंगे, तो इसका है एल आई एक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे छोटी संख्या कौन सी है, 29, इसका हम लिखेंगे डबल एक्स आई एक्स। इसके बाद 21 नेक्स्ट ये बचा है 15 यानी x और v। तो इस तरह से आप देख रहे हैं संख्याओं को हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में चेंज करके आसानी से जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपको छोटी संख्या पहले लिखना है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी संख्या को पहले लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे 8, स्टेट ट्रू आर फॉल्स। इसमें सही और गलत बताना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो ये दिया है 389 इज रिटेन एज, ये जो रोमन न्यूमरल्स दिया है कह रहा है 389 इसी तरह से लिखा जा सकता है रोमन न्यूमरल्स में। अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये सही लिखा गया है या नहीं। तो यहाँ देखिए ट्रिपल सी है यानी 300 है, पहले इसको हम लिख लेते हैं एक्स ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स आई एक्स। तो ट्रिपल सी मीन्स होता है 300, इसके बाद एल है एल मीन्स होता है 50, ट्रिपल एक्स है यानी 10 थ्री टाइम 30 प्लस ये एक्स आई है यानी इसमें जो है 10 में 1 माइनस है यानी 9। तो इसको हम ऐड अगर कर दे रहे हैं तो ये 50 है और ये 30 है यानी 50 और 30 अगर जोड़ रहे हैं तो 80 हो जाएगा और ये 9 यानी 89। तो 389 ये राइट है, 389 यहाँ दिया गया था क्वेश्चन में और ये कहा जा रहा था कि क्या ये सही है या गलत है। ये जो लिखा गया है ये सही है क्योंकि हमारा रिजल्ट उतना ही आया है जितना कि यहाँ दिया गया था क्वेश्चन में। बी इसको देखते हैं डी डी एक्स इज रिटन एज 1010। ये कह रहा है कि रोमन न्यूमरल दिया गया है इसको हम 1010 लिख सकते हैं यानी लिखा जा सकता है। तो देखते हैं क्या है डी, डी मीन्स होता है 500 और डी मीन्स फिर होता है 500 यानी 1000 और ये 10। तो 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं एम लिखते हैं यानी यहाँ डबल डी लगाना रॉन्ग है, ये गलत है डबल डी हम लिखें। तो 1000 के लिए हमें एम लिखना होता है
तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। सी डी इज रिटन एज 400। सी डी इसको कहा जा रहा है कि हम 400 लिख सकते हैं। तो डी जो है 500 के लिए होता है और सी 100 होता है, यानी माइनस हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 400। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट सी एम एक्स सी इज रिटन एज 990। तो इसको देखते हैं, सी और एम दोनों को देखेंगे, क्योंकि एम में से सी माइनस है, ये बड़ा सिंबल है और ये छोटा सिंबल है, तो सी माइनस हो जाएगा, यानी 1000 से माइनस है 100, हो जाएगा 900। और यहाँ पे देखेंगे हम दोनों को, सी माइनस एक्स है यानी 10, यानी 100 माइनस 10 है, तो 100 से माइनस कर देंगे 10 को, हो जाएगा 90। तो यहाँ पे जो दिया है 990, तो ये भी जो है अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये 990 हो जाएगा, यानी ये भी ट्रू है। थैंक यू।